हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और मस्त होंगे। आज है हमारे घर शादी और शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन चल रहा है और देखिए कितना अच्छा से ये डेकोरेशन हमारे दरवाजे पे ही हो रहा है। और देखिए बहुत काफ़ी जगह है, बहुत लंबी चौड़ी जगह है, मतलब गेस्ट हाउस भी फेल है इसके आगे। इतना अच्छा जगह है कि बता नहीं सकते और बहुत अच्छा लगता है। हमारे गाँव में व्यवस्था हो जाती है और इधर छत पर बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत खुश हैं बच्चे, क्योंकि बहुत काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होती है सबसे, सबके बच्चों से, तो इसलिए ये सब मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो ये सब खेल रहे हैं इधर, मस्ती कर रहे हैं। और ये मंडप पड़ा हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी ये जो उसका पड़ा हुआ है, कुछ लगा रहता है इसमें, तो उसका ये बांस और कुछ से बना रहता है। तो ये मंडप जरूर रखा जाता है लड़की की शादी में। इधर हलवाई सब नहीं मिठाई बना रहे हैं, ये मिठाई शादी के लिए नहीं बन रही है, बल्कि ये विदाई के लिए बन रही है, क्योंकि शादी के लिए रेडीमेड मिठाई थी। ये मिठाई जो बन रही है, लड्डू और बालूशाही वगैरह, ये हमारे घर विदाई में दिया जाता है। लड़की की विदाई जब होती है तो उसके साथ लड्डू बालूशाही और खाजा, ये सब मिठाइयाँ दी जाती हैं। तो ये उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि शादी के सुबह ही विदाई हो जाएगी, शादी की अगली सुबह ही, तो उसकी तैयारी हो रही है। इधर बालूशाही भी बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा से इधर तैयारियाँ चल रही हैं। और शादियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन विदाई के नाम पे मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि घर खाली खाली हो जाता है लड़की की शादी होने के बाद, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर देखिए अब शाम के टाइम तैयार भी हो चुकी है और बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत अच्छा लाइट मेकअप हुआ था, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही थी। और इधर आप लोग देख सकते हैं दरवाजे पे बारात आ गई है, बच्चे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और खुश हैं। बारात पे वो बाजा वजा वगैरह अंदर तक एकदम नहीं आ पाया था, ऐसा गेट लगा हुआ था, कुछ नहीं पा रहा था अंदर तक। लेकिन वैसे गाड़ी और दूल्हे की गाड़ी वगैरह वो बाकी बराती जो थे वो पैदल आ गए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है और दरवाजे पे ही कोई गेस्ट हाउस नहीं, किसी गेस्ट हाउस से कम नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ था। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है और सबने बहुत मस्ती किया, बहुत बच्चे मतलब देखिए कितने खुश हो रहे हैं, काफ़ी थक चुके थे बच्चे। और इधर द्वार पूजा की तैयारी हो चुकी है, पंडित जी बैठे हुए हैं और बारात आ गई है। और हमारे यहाँ दरवाजे जो द्वार पूजा होती है, दूल्हे की पूजा की जाती है, वो हमारे यहाँ गाड़ी से कार की पूजा नहीं होती है, बैठा के हमारे यहाँ कार में बैठे बैठे ही पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही कदम नीचे रखा जाता है दूल्हे का, तो इसलिए वो बैठे हैं गाड़ी में, तभी पूजा हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे हो रही है, बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंजॉय किए थे। बहुत दिनों बाद लड़की की शादी हमारे घर में हुई है, लड़की या लड़की किसी की शादी बहुत दिनों बाद ही शादी हुई थी, तो बहुत अच्छा हो गया मन को, सबने इंजॉय किया है इस बार शादी में। आप देख सकते हैं सबका मोबाइल भी चल रहा है, मोबाइल वीडियो चल रही है। इधर हम लोग स्टेज पे आ गए हैं, मैं आ गई हूँ, मेरी लड़की इतना परेशान कर दी थी कि समझ जाइए कि मतलब शादी एंजॉय क्या करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी। और इधर हम लोग आ गए हैं आशीर्वाद देने के लिए, सब स्टेज पे आए आशीर्वाद लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ अभी, तो बहुत अगर मैं डालूँ तो बहुत कई मिनट हो जाएगी वीडियो, इसलिए हम नहीं डाले हैं उतनी बड़ी, थोड़ी थोड़ी वीडियो करके डाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे घर में ये जो होता है जेठ जो होते हैं बड़े भाई, वो आते हैं अंदर, और जो भी लड़की के लिए सामान वगैरह उसमें कपड़े जेवर जो भी आते हैं, साड़ी वगैरह, वैसे तो मतलब इसमें थोड़ा मजाक है, कठिन होता है, बहना फैशनदार, हाय मेरी तौबा तौबा,
अच्छा लगता है थोड़ा सा। और साड़ियाँ जितनी भी आई थी बहुत अच्छा सामान आया था, बहुत ही अच्छा। तो अब जेवर वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर जेवर थे और बहुत अच्छा सामान आया था। सब एक एक करके लड़कों को दिया जाता है, लेकिन मतलब बड़े भाई जो होते हैं उन्होंने ही किया है ये सब। तो वही कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, सारा सामान दे चुके हैं। और ये जो रखा हुआ है ये सिंदूरा होता है नीचे, ये भी वही लाते हैं चढ़ा, मतलब इसी में से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर बहुत सी हमारे घर में जेठ जो होते हैं उनके साथ मजाक किया जाता है। तो वो सबसे छोटी सिस्टर है तो वो मजाक कर रही है, वो फल वगैरह और वगैरह का माला बना के तौर पे होता है, जब भी होता है। और इधर ये चुमावन होता है, तो जब जेठ सब ये भसुर चले जाते हैं करके, उसके बाद ये एक एक करके सब लोग चुमान करके और फिर उसके बाद कवर में ले जाते हैं लड़की को। वहाँ पे ये चावल रखती है और आशीर्वाद देती है। फिर उसके बाद फिर मंडप में आएगी पीली साड़ी पहन के, पीली जो होता है, उसके बाद कन्यादान किया जाएगा। इधर वो चली गई थी कवर में और सुंदर आ गया है। और फिर उसके बाद ये तैयार होकर आ गई है, वो भी कन्यादान के लिए बीच में बैठ गई है। चाचा चाची भी हमारे यहाँ अपने मम्मी का कन्यादान देते हैं, चाचा चाची दे रहे हैं कन्यादान। तो चाचा चाची बैठ रहे हैं, बीच में ये बैठी हुई है और इधर कन्यादान चल रहा है। आप देखिए सब जगह का रीति रिवाज अलग होता है, हमारे घर का अलग है, सब जगह का मतलब लगभग वही चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा लगा था बहुत दिनों बाद, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे तो मैं अपने ससुराल में गेस्ट हाउस वगैरह से ही शादियाँ देखी हूँ, गई हूँ जितनी भी होती हैं, और उतना अच्छा से रीति रिवाज से नहीं हो पाता है गेस्ट हाउस में, मैंने देखा है सबके साथ होता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे जो है गांव में हमारे जो ये शादी हुई, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रीति रिवाज से सब कुछ हो गया, बहुत अच्छे से सम्पन्न हो गई है शादी। अच्छा लगा था, सबने इन्जॉय किया। और इधर देख सकते हैं कि ये कन्यादान हो रहा है, चल रहा है। तो उसके बाद होता है हमारा ये पानी ग्रहण, उसके बाद ये भाई जो होता है पानी ग्रहण करता है। तो इसको ये कन्यादान चल रहा है, अब इधर हो गया। अब वो पानी ग्रहण खत्म होने के बाद ये होता है, ये फेरे होते हैं, इसमें भी भाई की जरूरत होती है। भाई इसमें जो लावा बना हुआ होता है ये फेरे आता है हाथ पे, और ये हर लड़की हाथ में सिंदूरा लेके, इसी से सिंदूरदान होता है, ये लेके फेरा घूमती है। तो सात फेरे होते हैं, तो ये लेके चलेगी। और फेरे हो गए, उसके बाद सिंदूरदान का टाइम आ गया, सिंदूरदान हो रहा है। ये ये देखिए सिंदूरदान हो गया। तो फाइनली गाइस शादी हो गई, और इसकी शादी का पूरा ब्लॉग मैंने बना दिया, और आप देख सकते हैं कि सिंदूरदान होने के बाद लड़की का चेहरा एकदम खिल जाता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो वैसे इसका चेहरा एकदम खिल गया था, बहुत सुंदर लग रही थी, शादी हो गई। और गाइस आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिए, इसकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और हमेशा मंगलमय जीवन रहे। इसी के साथ मेरा ब्लॉग समाप्त करती हूँ।